नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप शनिवार के रात के दिन एक करते हैं उपाय तो आपके शत्रु होंगे पराजित। लेकिन ध्यान रखें, आपने देखा होगा इस संसार में आपके पास जितने शत्रु हैं आपके पास उतना ही मित्र है। किसी को देखिएगा कि शत्रु के मात्रा अधिक होता है और किसी के पास मित्रों की मात्रा अधिक होता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, शत्रु आपसे पराजित कैसे रहे या शत्रु आपसे दूर कैसे रहे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और आइए कुछ छोटे छोटे हम आपको रेमेडी कोट के बताएंगे जिसे आपको करना है, जिससे आपके शत्रु आपसे दूर रहे और आप सुखी और स्वस्थ रह सके, टेंशन फ्री रह सके। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, शत्रु पराजय का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बाण का पाठ। अगर आप प्रत्येक मंगलवार के दिन, शनिवार के रात में भी, दो दिन वीक में, या तो मंगलवार के रात में या शनिवार के रात में, अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं अपने शत्रु का नाम लेकर के, तो आपका शत्रु आपसे हारेगा और आपसे दूर रहेगा। ये आप जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन पाठ करते वक्त शर्त है कि आपको 11 चना जो है वो भोग लगाना होता है गुड़ के डली के साथ। एक गुड़ के डली और 11 चने का भोग हनुमान जी को लगा करके फिर दिया जला करके फिर इस पाठ को आप करें, और ये पाठ आपको कम से कम 7 बार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शत्रु आपसे दूर जरूर होगा। दूसरा उपाय, शनिवार के रात आपको सिर्फ और सिर्फ 7 लौंग लेना है। 7 लौंग लेकर के और उसे आपको अपने मुट्ठी में बांध करके और शत्रु का नाम लेना है और बोलना है, मम शत्रु बुद्धिम विनाशाय। ये मंत्र आपको 108 बार बोल करके, और ये क्या करना है, हनुमान जी के पास कोई मूर्ति हो वहां पर रात को रख देना है शनिवार का। दूसरे दिन बिना नहाए इसको बाहर घर से ले जा करके और इसको जला देना है। शर्त है कि आप ये उपाय तब करें जब आपका निश्चित रूप से कोई शत्रु हो, किसी के नुकसान के लिए इस उपाय को भूल के भी नहीं करें, नहीं तो खुद के भी नुकसान उठाने के लिए आप तैयार हैं। किसी से आपको जलस हो गया, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अगर आपके अंदर आ गया और अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तो आप ये उपाय उसी शर्त पर करें जब आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है और मेरा नुकसान हर समय कर रहा है। तीसरी उपाय क्या करना है, आपको 21 दाना चावल का लेना है और 38 दाना साबुत उड़द की दाल, उड़द जो होता है उसको लेना है। ये दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके एक मोर का पंख लाना है, हनुमान जी जो सिंदूर जहां से चढ़ाते हैं वहां से सिंदूर लाना है, मोर के पंख पर शत्रु का नाम लिखना है, अरे जो 38 और 21 दाना जो आपने इकट्ठा किया है ये सब उस मोर के पंख पर चढ़ा करके और रात भर उसे कहीं ना कहीं मंदिर या किसी जगह पर उसको सुरक्षित रखना है। सुबह बिना नहाए, नहाने से पहले उसको घर से दूर किसी जंगल में जा करके छोड़ के आना है, फिर देखिए आपके शत्रु आपसे कैसे दूर होते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान रखें, मेरे वीडियो के साथ अगर आज पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप देख सकेंगे। आप सभी को